पहली दफा मैं बंगाल में चुनाव कवर कर रहा हूँ, लोकसभा मेरे साथ ही गए थे। राजदीप जी ने एक बड़ी कैची लाइन इस्तेमाल की, वाम से राम। मुझे ऐसा लगता है कि ये चुनाव, इसके नतीजे जो भी हो, बहुत सारे मिथ्स के टूटने का भी चुनाव है। बंगाल का डिस्कोर्स मुझे लग रहा था कि दो पैरेलल स्ट्रीम पे चल रहा था। एक एक नदी का या वाटर बॉडी का प्रवाह जमीन के ऊपर था जो बहुत उथली हो गई थी, जो भद्र लोग डिस्कोर्स है। मेरे भद्र लोग में बहुत दोस्त हैं तो वो ऑफेंड ना हो, लेकिन वो भद्र लोग का जो डिस्कोर्स था वो बंगाल के रूरल और सबॉल्टन डिस्कोर्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था। ये सही जो सही बड़ी अच्छी अच्छी सुंदर भाव भंगिमाओं वाली बातें, संस्कृत की बातें, कल्चर की बातें, उसमें वो लोग कहाँ थे? एकदम से बंगाल के भद्र लोग को लग रहा कि साहब कास्ट तो हमारे यहाँ नहीं थी। नो सर, इट वॉज ऑलवेज देयर, पर पहले आप उस कास्ट को अपने काडर, कभी भूमि सुधार, कभी दूसरी चीजों से आप नेगोशिएट कर लेते थे, आप उनको कोऑप्ट कर लेते थे। लेकिन अब जिस तरह के से, चाहे वो नॉर्थ बिहार में राजवंशी हो, चाहे वो ये जो इमिग्रेशन वाली जो माफ करिएगा, जो पूरी रिफ्यूजी बेल्ट लेके आई वो हो, नमो शूद्रास हो, या अलग अलग हो, झारग्राम वाले एरिया में जिस तरीके से वो अपनी हिंदू आइडेंटिटी को, आदिवासी आइडेंटिटी को असर्ट कर रहे हैं, तो वो जो एक कोलकाता में बैठ के एक अच्छी अच्छी साउंड करने वाली पॉलिटिकल कमेंट्री होती थी कि लेफ्ट है, मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि सारे लोग नास्तिक थे और अचानक से जय श्री राम बोलने लगे। वो सब अपने अपने स्तर पर धार्मिक थे, लेकिन अब एक पॉलिटिकल डिजाइन के तहत बीजेपी ने उस चीज का यूज किया कि उनके अंदर एक जो सेंस ऑफ अन्याय था कि साहब हमारे साथ गलत हो रहा है, उस अन्याय के कॉकटेल में क्या क्या चीजें मिल गई कि एक तुम्हारे साथ गलत हो रहा है क्योंकि किसी के साथ वो जरूरत से ज्यादा सही कर रही है, अन्याय की हद तक ज्यादा जाकर पक्ष ले रही है। दूसरा, तुम्हें तुम्हारे हिस्से की चीजें नहीं मिल रही क्योंकि यहां पर तुम्हारी सरकार है तो केंद्र की स्कीम नहीं मिल रही। तीसरा, तुम्हें तुम्हारे हिस्से की चीजें नहीं मिल रही क्योंकि हर जगह कट मांगा जा रहा है अगर तुमने विरोध की गुहार। मतलब बिहार में अब ये पिछले 10 साल में देखने को नहीं मिलता कि कोई कहे कि साहब वोट नहीं डालने दिया। ये 90s में होता था, इल्जाम लगते थे, यूपी में कभी लगते होंगे, ये कोई नहीं कहता कि साहब वोट नहीं डालने दिया, वोट बट गया, वोट इधर हो गया, उधर हो गया। विकास जी, आपका क्या सोचना है? आपको भी लगता है कि ये बहुत ही नए किस्म का असर्शन ऑफ सबॉल्टन मॉडल है, जिसमें कास्ट, रिलीजन आइडेंटिटी प्लस एक जो पूरी गवर्नेंस को लेके नाराजगी है, वो सब एक साथ मिलजुल के अपियर हो रही है? देखिए सौरभ, आपने बात सही कही। देखिए दो चीज है, एक तो मैं आपकी बात से पूरी तरह इत्तेफाक रखता हूँ, इतिहास का विद्यार्थी होते हुए भी, कि एक तरह का बड़ा कोलकाता सेंट्रिक एक मॉडल ऑफ बंगाली एक्सेप्शनलिज्म जिसको कहते हैं, वो एक कॉमन सेंस बन चुका था। और उसमें एक बिलीफ ये भी थी कि जाति जो है वो बंगाल में एग्जिस्ट नहीं करती है उस तरह जैसे बाकी जगहों पर करती है। उसमें एक बिलीफ ये भी थी कि बंगाली हिंदुइज्म जो है वो कंपेयर टू उत्तर भारत वाले हिंदुइज्म, अगर उससे आप उसको कंपेयर करेंगे, तो वो कहीं ज्यादा, जैसे कहते हैं, ज्यादा इगेलिटेरियन है जेंडर लाइंस पे, तमाम लाइंस पे। यहाँ तक भी मेरे बहुत सारे मित्रों ने कहा कि दुर्गा पूजा जो है वो कोई रिचुअलिस्टिक पूजा नहीं है, वो एक तरह का कॉन्ग्रेगेशन है लोगों का, और उसमें बाकायदा मुसलमान भी मतलब उसमें शरीक हो सकते हैं। तो इस तरह की तमाम बिलीफ थी, जिनका एक एक लार्जर जो पॉइंट था वो ये था कि बंगाल अपने इर्द गिर्द के राज्यों से और उत्तर भारत से मूलभूत तरीके से अलग है, और अलग एक प्रोग्रेसिव डायरेक्शन में है। तो उसमें बंगाल रेनेसां की पूरी हिस्ट्री बताई जाती थी 19वीं शताब्दी ऑनवर्ड्स, जिससे लगता था कि बंगाल ने एक अलग रास्ता इख्तियार किया। अब ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि ज्यादा कोलकाता सेंट्रिक डिस्कोर्स था, और ये डिस्कोर्स जो कि पूरे बंगाल को कोलकाता की छवि में, कोलकाता का भद्रलोक बेसिकली क्या है, भद्रलोक है एक तरह का, आप समझ लीजिए, फाइन आर्ट साहित्य वगैरह में रुचि रखने वाला पढ़ा लिखा मध्यम वर्गीय तबका। और चाहे मतलब भद्रलोक थियोरेटिकली इज नॉट द सेम एज कास्ट, लेकिन ये भी फैक्ट है कि भद्रलोक में ज्यादातर जो लोग हैं वो ब्राह्मण, ब्राह्मण कायस्थ और वैद्या, ये जो तीन कास्ट है बंगाल की, ज्यादातर इससे आए बिकॉज ऑफ हिस्टोरिकल रीजंस। अब इसमें ऐसा होता है कि ये जो एक्सेप्शनलिज्म है आज चैलेंज पे आ चुका है, और आज बोला जा रहा है कि वापस जाति जो है बंगाल में आ चुकी है। लेकिन मेरे हिसाब से देखिए, अगर आप देखिए इसको, बंगाली एक्सेप्शन को एक तरफ से अलग रखिए, लेकिन जाति तभी आती हुई दिखाई देती है कंटेम्प्रेरी इंडिया में और मॉडर्न इंडिया में, जब जाति के नाम पर कोई लोअर कास्ट असर्शन होता है।
ये केवल बंगाल की बात नहीं है, उत्तर प्रदेश और बिहार में भी बहुत लोगों को लगा कि जाति कब आई तो मंडल कमीशन के आसपास आई। बहुत सारे लोग मानते हैं कि नेहरूवियन इंडिया में तो जाति थी ही नहीं। तो होता क्या है कि क्योंकि ज्यादातर जो इंटेलिजेंशिया है, जो प्रबुद्ध वर्ग है, वो एक एजुकेशनल एडवांटेज जो रहा है सवर्णों के पास, उस कारण से ज्यादातर जो हमारी चैटरिंग क्लासेस हैं वो अपर कास्ट से आती हैं, मतलब खासकर ब्राह्मण हो सकते हैं, कायस्थ हो सकते हैं, इस तरह की जातियों से आती हैं। तो बहुत बार उनकी ही इमेज में, जैसे कि हमने कहा, आपने अभी कहा कि कलकत्ता की इमेज में बंगाल को समझने की कोशिश की जा रही थी, वैसे ही कुछ सवर्ण जातियां जो जिनका पढ़ाई लिखाई में ज्यादा हिस्टोरिकल रीजन से थोड़ा एडवांटेज रहा है, उनके नजर से हम जाति को देखते हैं। तो वो जाति तब मानते हैं जब उन पर सवालिया निशान उठता है। तो इसीलिए लगा कि उत्तर प्रदेश और बिहार में एकाएक जाति कूट पड़ी 1990 के करीब, जब मंडल कमीशन आया कि लालू प्रसाद आए, मुलायम सिंह यादव आए, तो जातिवाद बढ़ गया। तो जातिवाद इसलिए बढ़ा कि एक काउंटरवेलिंग फोर्स आया, और वो बंगाल में भी आ रहा है। और आप लोगों की बात बिल्कुल सही है कि वो ऐसा नहीं है कि बीजेपी की तरफ एक बड़ा पॉजिटिव वेव आ रहा है। लेकिन एक और बात मैं आपसे ऐड करूंगा सौरभ, जो हुआ है कि कलकत्ता कहीं ना कहीं थोड़ा मुझे लग रहा है डिस्कनेक्ट हो गया है बंगाल से पहली बार आजादी के बाद। और हो क्या रहा है कि बीजेपी का जो राइज का मॉडल तमाम उत्तर भारत में, आपके पश्चिम भारत में, मध्य भारत में हमेशा ये रहा कि बीजेपी जनसंघ के दिनों से पहले अगड़ी जातियों को पकड़ती थी और शहरों को पकड़ती थी, और धीरे धीरे वो शहर से गांव में जाती थी जिसमें बहुत बड़ा लैग था, और अगड़ी जातियों से फिर धीरे धीरे पिछड़ी जातियों पर जाती थी, और पिछड़ी में भी सब पर नहीं, जैसे यूपी बिहार में नॉन यादव पे ज्यादा गई। तो ये उसका मतलब ट्रैवलिंग का जो 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 रास्ता है वो ये होता था। लेकिन बंगाल में रास्ता बिल्कुल उल्टा है बीजेपी का। बंगाल का रास्ता ये है कि बीजेपी ने, जैसे आप 2019 का भी चुनाव देखें, जब बीजेपी पहली बार 40% वोट और 18 सीट लाती दिखाई दी, तो बंगाल का जो रास्ता है वो ऐसा रास्ता है बीजेपी का कि आप देखेंगे कि नॉर्थ बंगाल में जंगल महल में अगर देखें SC ST सीट्स में बीजेपी के पास ज्यादा है TMC के मुकाबले। yes. अगर आप सारी मिला दें, नॉर्थ बंगाल में बहुत आपको प्रेजेंस मिलता है आदिवासियों का और दलितों का, जंगल महल में आपको बहुत मिलता है, ऐसी ऐसी सीटें भी हैं जहां 50% भी आबादी है। तो बंगाल से दूर जो है बीजेपी ने धीरे धीरे करके बढ़ना शुरू किया है, मतलब बंगाल से नहीं, कलकत्ता से दूर। तो कलकत्ता से जितना आप दूर जाएंगे, नॉर्थ बंगाल ले लीजिए, थोड़ा दूर जंगल महल ले लीजिए, वहां से बीजेपी शुरू हुई है। बीजेपी गांव से शुरू हुई है, दलितों से, आदिवासियों से शुरू हुई है, और 2019 में कलकत्ता और आसपास के रीजन से बीजेपी को रेजिस्ट किया। तो एक्चुअली जो 22-23 सीट ममता बनर्जी ले गई, बीजेपी 18 पे रुकी, उसका बहुत बड़ा कारण कलकत्ता के आसपास के इलाके हैं। तो ये डिस्कनेक्ट आया है, ये बीजेपी के लिए भी बिल्कुल नया मॉडल है, वो गांव से बढ़ के आ रहा है। और ये मैं कहूंगा ये बीजेपी के लिए पॉजिटिव अभी तक नहीं है, जो राजदीप ने कहा मैं पूरी तरह मानता हूं, ये एंटी इनकम्बेंसी है, बीजेपी डिफॉल्ट बेनिफिशियरी है क्योंकि लेफ्ट वीक हो चुका है। लेकिन अगर बीजेपी जीतती है तो क्या ये एक नए तरह के हिंदुत्व में तब्दील होगा? अब आपने बोला, जो आपने बात कही, जय श्री राम कहां से आया बंगाल में? अब एक बंगाली एक्सेप्शन में ये भी बिलीफ था, जो तमाम लोगों ने, ऐसे ऐसे बड़े बड़े बुद्धिजीवी जैसे प्रोफेसर अमर्त्य सेन है, उन्होंने भी कहा था जय श्री राम जो है बंगाल के कल्चर का पार्ट नहीं है, यहाँ दुर्गा पूजा होती है, काली पूजा होती है। अब इसमें दो तीन चीजें हैं जो मैं एकदम बहुत स्पष्ट तौर पर कहना चाहूंगा, जहां मैं डिसएग्री करता हूं, वो ये है। पहली चीज तो ये बोलना कि बंगाल के कल्चर का पार्ट नहीं है, थोड़ा सा माफ कीजिएगा, थोड़ा राज ठाकरे जी के डिस्कोर्स की तरफ जाता है वो, मुझे याद दिलाता है जब उन्होंने कहा था कि छठ पूजा जो है मुंबई के कल्चर का पार्ट नहीं है। पहली चीज, एक एक मॉडर्न डाइवर्स सोसाइटी में, हम प्लूरलिज्म की बात करते हैं, वो हमारा डिजायर भी है, प्लूरलिस्टिक मॉडर्न वर्ल्ड में हमेशा मेल्टिंग पॉट टाइप के कल्चर्स होते हैं। बंगाल में केवल बांग्ला बोलने वाले लोग नहीं है, मारवाड़ी है, बिहारी है, मारवाड़ी बिजनेसमैन है, बिहारी लेबर है, ईस्टर्न यूपी से लोग हैं। तो उन लोगों के लिए तो हमेशा ही राम वर्शिप, चाहे वो जय श्री राम ना बोलते हो, राम राम बोलते हो, सिया राम बोलते हो, लेकिन वो उनके कल्चर का पार्ट था। तो पहली चीज, उसको केवल बंगाली स्पीकिंग, मतलब एक एथनिसाइजेशन, एक 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 मॉडर्न स्पेस का थोड़ी सी उसमें दिक्कत है। दूसरी चीज ये भी है कि तमाम भारत के हिस्सों में हिंदुइज्म का जो एक इसेंशियल नेचर है, जिसको मैक्स म्यूलर ने एक बार हिनोथीज्म बोला था, हिनोथीज्म का मतलब कि तमाम देवी देवता हैं, लेकिन अलग अलग एरियाज में या अलग अलग सोशल ग्रुप्स में कोई एक देवी देवता ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है। जैसे आप देखिए, आपके महाराष्ट्र में जो है वो गणेश चतुर्थी बहुत ज्यादा मनाई जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि महाराष्ट्र में अगर गणेश है तो और कोई नहीं है। वैसे ही उत्तर प्रदेश में, आप राजस्थान में जाएं, राम की बहुत वर्शिप है, लेकिन वहां आप देखें तो नवरात्रे भी होते हैं।
दुर्गा पूजा उस तरह की नहीं होती जो बंगाल में होती है, लेकिन रात्रि जागरण होते हैं। तो ये मानना कि दुर्गा पूजा का मतलब कि राम इम्पॉसिबल है बंगाल में, ये थोड़ी बहुत बड़ी फंडामेंटल एरर थी जो कलकत्ता के इंटेलिजेंशिया से आ रही थी। क्योंकि रामायण क्या है वो बंगाल में भी लोगों को पता है, चाहे दुर्गा पूजा जैसी कोई बड़ी चीज वहां पर नहीं होती। राम मोहन रॉय के नाम में भी राम मोहन था, वो भी बंगाल में थे। रामकृष्ण परमहंस भी बंगाल में थे। तो ऐसा है कि मतलब ये थोड़ा आर्टिफिशियल पिक्चर था। तो ये मानना कि राम कहीं मतलब एक एक मान्यता बन गई थी कि राम एक नॉर्थ इंडियन गॉड हैं और थोड़ी सी वो फ्यूडल और पेट्रियार्कल सोसाइटी है, क्षत्रिय किंग है वो, मतलब क्षत्रिय राजा है वो, एकदम तीर कमान लेके तैयार रहते हैं, लेकिन बंगाल एक डिफरेंट सोसाइटी है। तो वो एक्सेप्शनलिज्म पे इस बार धक्का पड़ रहा है, क्योंकि वो क्या था कि कलकत्ता की इमेज में इतने डाइवर्स स्टेट को आप बताएं तो 29% बंगाल की जो आबादी है दलित और ट्राइबल है, जिसकी हम बंगाली कल्चर को जब हम बाहर आके दिल्ली में बैठ के सोचते हैं, मुंबई में बैठ के, बैंगलोर में बैठ के, तो हम सोचते हैं टैगोर, शरद चंद्र, बंकिम चंद्र चैटर्जी, सत्यजीत रे, ये सोचते हैं। लेकिन तमाम ऐसे ट्रेडिशन है, बाउल्स का ट्रेडिशन है, फोक सिंगर्स का, तमाम ऐसे ट्रेडिशन है। नामशूद्र मूवमेंट वहां पे रहा, वहां संथाल्स हैं, संथाल आदिवासी हैं, उनकी एक स्क्रिप्ट भी है, वो बहुत कम लोग जानते हैं कि उनकी एक लिपि भी है जिसको ओल चिकी लिपि बोलते हैं। तो बंगाल में वो डाइवर्सिटी जैसे हर जगह है, जैसे उत्तर प्रदेश में है, जैसे महाराष्ट्र में है, जैसे तमाम जगहों पे बंगाल में भी वो डाइवर्सिटी है, लेकिन कलकत्ता की इमेज में आज तक हम बंगाल को ढाल कर देख रहे थे। अब ये जो लोकलाइज्ड एंटी इनकम्बेंसी आई है, लेफ्ट का वीक पड़ना, बीजेपी का राइज होना, इसमें क्या है कि बीजेपी अपनी चीजें भी फिट कर पाई है एंटी इनकम्बेंसी के अंदर। और जय श्री राम जो है, जैसे कल भी मैं देख रहा था नंदीग्राम में कितना वो नारा लग रहा था, वो बेसिकली अब एक रेजिस्टेंस का नारा लग गया हो गया है। yes, वो बेसिकली जोड़ना चाह रहा था कि ये हम लोगों की क्लास में या बोर्डिंग में ये एक बड़ा सिद्धांत होता था ध्रुव सत्य की तरह कि चिढ़ो मत, अगर किसी चीज से चिढ़ोगे ना तो वो तुम पे चस्पा कर दी जाएगी। तो बेसिकली बीजेपी वालों ने आइडेंटिटी अच्छी, जय श्री राम से चिढ़ रही, वो जो उन्होंने कार रोकी, बच्चों को डांटा, ये वो, तो वो उनके लिए एक वॉर क्राई बन गया। अब वो बार बार लगातार, और मैं और प्रशांत जब नंदीग्राम में थे तो हम गांव में देख रहे थे कि शाम के वक्त की जो आरती होती है वो आरती एक राम कीर्तन में तब्दील हो चुकी है अब गांव में। वो बीजेपी के समर्थक जुटेंगे और कुछ जो लोग हैं वो जुटेंगे, शाम को वो डीजे टाइप का कुछ चलेगा और वो जय श्री राम की धुन, और बीच बीच में दूसरी चीजें उसमें ऐड होगी।